दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, कंबल हम लोग यूज करते हैं और कंबल का कवर हम लोग यूज नहीं करते हैं, कवर नहीं लगाते हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, यदि कवर आप लगा करके यूज कीजिएगा तो उसको धोने में, उसको साफ करने में बहुत आसान होगा दोस्तों। और नहीं तो कंबल भारी होता है, मोटा होता है, बड़ा होता है, जिसके चलते धोने में आपका दिक्कत होता है। इसलिए एक ग्राहक ने मुझे दिया धोती दोस्तों 3 पीस, और उसमें से कंबल का कवर बनाना है दोस्तों। कंबल का कवर बनाने का सही तरीका इस वीडियो में आप लोग को देखने को सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन पंडित, आप लोग को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चैनल में और मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो यदि पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेलरिंग संबंधित इस चैनल में आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। आइए सीधा मशीन में दिखाते हैं, पहले कटिंग करते हैं, इसके बाद मशीन में दिखाते हैं किस तरह से मैं उसको सिलाई करता हूँ। पहले आइए दिखाते हैं भाई, कितना चाहिए, 90 इंची लंबा चाहिए और चौड़ा चाहिए 80 इंची चाहिए। इसके धोती है दोस्तों, 3 पीस धोती दिया गया है, 3 पीस धोती से बनाना पड़ेगा। और धोती की लंबाई देखिए दोस्तों कितना है, 150 इंच है दोस्तों, 150 इंच लंबाई है। और चौड़ाई कितना है, 41 इंची। तो मुझे चाहिए कितना, चौड़ाई चाहिए 80, तो डबल इसका 80 चाहिए चौड़ाई। तो ये एक पीस में 40 हो रहा है, 41 है तो 40 होगा। और तो हमको इस तरह से दो को धोती लिए, ठीक है दोस्तों, दो को धोती लिए तो 80 ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ से मैंने यहाँ कितना लिया दोस्तों, 90 इंची चाहिए, 90+1 इंची मैंने 91 इंची यहाँ से यहाँ तक हमारे को चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा 91 इंची हो गया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये धोती का पहला पीस, धोती बोलते कमल का साइज मेरा हो गया। और ये मेरा क्या हुआ, ये बचा हुआ एक्स्ट्रा है, ठीक है, 3 गो धोती है। अब फिर एगो धोती में, और फिर यहाँ पर हम ले लिए, ओके, ये लिए, ये 2 पीस होना चाहिए, एक पीस ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर भी जो बचा हुआ इतना है, कितना है, 59 मान के चलते, 60 मान के चलते। तो ये टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा ज्वाइन करके या यहाँ पर और एक पीस हमको बनाना है, ठीक है। इसे यहाँ पर ये दो टुकड़ा मिला से मिलने से ही हो जाएगा, क्योंकि 59 है मान के चलते, तो हमको चाहिए 91 चाहिए, तो ये दो टुकड़ा मिल जाएगा। तो फिर भी ये दो टुकड़ा से ये बन जाएगा, तो ये हो गया एक पल्ला, ये एक पल्ला ऊपर नीचे इस तरह हो गया। और बस ये मेरा इसी तरह से मैं बनाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इस तरफ तीनों तरफ मैं सिलाई कर दूंगा, और इधर इधर थोड़ा सा सिलाई कर दूंगा थोड़ा सा, और यहाँ पर रस्सी लगा दूंगा। यही तरीका से मैं धोती को कवर बना रहा हूँ दोस्तों। ये दोस्तों ये धोती है, दो धोती मैंने इतना तक मैंने काट लिया, ठीक है, इतना तक काट लिया, ये दोनों मिला। अब इसको हमको ज्वाइन करना है, ठीक, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, इसी तरह से दो पार्ट बनाना है, ठीक है, एगो इधर एगो इस साइड में आपका रहा। चलिए इस तरह से देखिए, दोनों पार्ट को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, दोनों धोती को पहले जोड़ रहा हूँ। इस तरह से मैंने दोनों धोती को जोड़ रहा हूँ, जोड़ने के बाद आगे आपको दिखाते हैं। या अब इसी तरह से और एगो धोती जोड़ेंगे। अब एक पीस धोती ये तो मेरा है, और ये 2 पीस टुकड़ा को फिर इसको ज्वाइन करके, इसको इसे यहाँ पर ज्वाइन करके ये एक पीस हमको फिर बना देना, ठीक है, ये एक पीस फिर बनेगा। एक 60 है तो 60 120 फिर हो गया, तो हमको चाहिए कितना, 90 चाहिए। तो ये पार्ट अब इसके साथ ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, ये मेरा एक पल्ला हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम इस पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। ये ज्वाइंट हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये दो पीस टुकड़ा वाला था, और ये इतना कपड़ा बचा है, इसको भी इसको छाड़ देंगे, तो ये मेरा एक पल्ला पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरा ये एक पल्ला दोनों क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से और दोनों को एक सामने बिठा लेंगे, और इस तरह से सिलाई कर देंगे, ठीक है, एक तरफ खुला रहेगा और रस्सी बना देंगे, बाकी इस तरह से हम उसको सिलाई कर रहे हैं। आइए इस तरह से मैं इसको तीनों तरफ सिलाई होगा। कमल कोवर मैंने दो पल्ला बना दिए, अब दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद तीनों तरफ मेरे सिलाई होगा, सिलाई होने के बाद एक तरफ मुंह की तरफ खुला रहेगा, और इस तरह से मैंने कमल कोवर बना दिए, ये धोती का ये, और ये दोस्तों ये मुंह तरफ है, इधर हम इसको मोटा मोटी यहाँ से दो हाथ इसका मुँह रखेंगे, बाकी इस लॉक कर देंगे, इस तरह मोड़ लेंगे दोनों धोती को, और रस्सी यहाँ पर लगा देंगे। और इस तरह से ये रस्सी बना रहा हूँ दोस्तों, और रस्सी कैर को चाहिए,
ये चार को मेरा हो जाएगा। यहाँ एक और लगा देंगे और यहाँ एक और रस्सी बनेगा और एक और रस्सी यहाँ बनेगा, दो को लगाएंगे। ये एक और मुंह तरफ बांधने के लिए मैंने दोस्तों दो पीस रस्सी लगा दी है, तो चार चार टुकड़ा रस्सी का ही हुआ। और इस तरह से कम्बल इधर घुसाया जाएगा और इसको मुंह को बांध कर रख देंगे और इसको सीधा कर देंगे। बस हो गया कम्बल, ये कम्बल कवर बनाने का सही तरीका दोस्तों। इस तरह से आप लोग भी सूती यदि यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका इस तरह से कवर बना करके आराम से इसको खोल करके निकाल करके धोने में बहुत सुविधा होता है, साफ़ करने में। इसलिए ये हो गया दोस्तों। और ये कम्बल का खोल एकदम बंद करके रेडी हो गया दोस्तों। इधर इधर मुंह तरफ रखें इधर घुसाने के लिए, बाकी चारों तरफ लॉक कर दिए दोस्तों, ठीक हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन दबा करके ऑल में रखिएगा ताकि इस तरह का कंटेंट, इस तरह का वीडियो मेरे चैनल में आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा और आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे प्लेलिस्ट का लिंक डाल चुके हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा वीडियो देखिए और सीखिए। दूसरा वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।